the rewarding his sacrifice of the eternal being I am. तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तूने तेरे जन को इकट्ठा किया धन्यवाद प्रभु हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम भी अनेक संतों के साथ पिता परमेश्वर की आराधना कर सकते जिसकी आराधना स्वर्गदूत लोग कोटि 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 की संख्या में और सिरा और करूब और प्राचीन करते हैं उसकी आराधना आज प्रभु दिवस के दिन अनेक शब्दों के समेत करने के लिए तूने भी योग की बात हमारे मुख का आदर किया उसके लिए धन्यवाद सर प्रधान सर्वशक्तिमान से नवों के हुआ तेरा भाई मानते हुए अमानते इसके सामने पर्वत काम भूमि फट जाती है समुद्र सूख सारे स्वर्ग की जीवी मौके पर गिर पड़ते हैं उसके समुगम आते बिल्कुल अयोग्य प्रभु बिल्कुल अपवित्र हे परमेश्वर यहोवा तू पर पवित्र है ये बात चिल्ला चिल्ला कर स्वर्गदूत लोग निरंतर कहते हैं पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता जाकर बस पकड़ने वाली अग्नि के सम्मुख कौन अपने आप को खड़ा रह सकता पिताजी पवित्र आत्मा की सहायता भेज मुझ पर ही की सहायता करते हो तेरे कमजोर दास की सहायता कर मुझे उच्चाई में खड़ा रहना और तेरी आराधना करना मुझे संतों के समय तेरी आराधना करना है यीशु जो मेरे श्रेष्ठ महायाजक है उसके संग मिलकर पिताजी तेरी आराधना करे मुझे वहां ले चलकर शुद्ध धार्मिक दस वस्त्र पहना कैसे याद लोग तैयार किया जाते थे आराधना के लिए बिल्कुल उसी तरह मुझे सजा सुसज्ज होकर तैयार होकर प्रवेश होगा तेरे मस्तिष्क में कड़े कड़े आराधना करना चाहिए पवित्र स्थान में पवित्र हाथों को उठाने के लिए मुझको पवित्र कर इन हाथों को होठों को मुख को चित्त को हृदय को तमाम शरीर को शुद्ध कर पवित्रता में और पवित्र आत्मा में तेरी आराधना करने के लिए तेरे जन को भी तैयार करते जा रहे हैं ताकि हम तैयार किया हुआ एक याजनों का समाज सा तेरी आराधना एक सुर एक ही आत्मा में हालेलुया पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार कर सके ताकि आज के दिन भी प्रभु हमारी से एक बलिदान चला सके एक सुगंधी बलि एक खुशबूदार बलि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बलि ऐसी बलि हाबेल ने चढ़ाया था दूध ने चढ़ाया था दाऊद ने चढ़ाया था तो सुलेमान ने चढ़ाया था पवित्र होटो से प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति गीत गाने तेरी प्रशंसा में गीत गाने तेरी तारीफ को वर्णन करने प्रभु हमारे May the Spirit of the Lord lead us in this worship of master.
Sometimes we begin to the end. Uruana the Makasinda. Uruana Baba Makasinda. The God of another Baba Makasinda. The Raja of Bori Kalaba. I want to reach him to be out of my home. I want to get Jericho to be two person hostile, but I want to find a measure. I want to do Chime and La Chata. I do Chime to do La Chata. There are all Chime, all Chime. We want to glorify your name. Exalt your wonderful name. Lift you up for Master Urubana Namakasa. That thou may be exalted far above the heavens. That thy glory may be seen in all the earth before Amanamakasa. Abate Ibana Hasiruba. The whole of Rihuruba. Rubana Kasira Mano Tere Saman Yeshu Dharmi Tera Yagaye Logaye Ge Tere Paas Aradhana Karne Ko Surgi Yerushalayim Santon ke saath hum kare aaradhna Sion ki choti par Ati uchchai Pavitron ke saath kavar sakte Surg sthal mein hi Aap tere aaradhna देखी गहराई से सारे बल से पूरे मन से तेरी आराधना तैयार तक को पवित्र कर और पवित्र उनके भीतर के सारे लोग आने वाले लोग सारे पदार्थ ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जा तेरी सुंदर वस्तु दिया बने रहे पवित्र आत्मा में चलाते हैं प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार अब तेरी आराधना पवित्र आत्मा की सफाई कर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे हृदय की गहराइयों से तेरी आराधना करे इसलिए हम धन्यवाद करते हैं राजा ओम का राजा हमारा मुक्ति दाता प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे चरणों में अपने आप को दंडवत करते हैं प्रभु तू धन्यवाद की योग्य परमेश्वर
तू स्तुति की योग्य परमेश्वर इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यकल देने स्तुति की ना था ये स्तुति की योग्य ना है देवा सदराराध के पुगर्ची की योग्य ना है नी धन्य या हालेलुया ये लल्ला मुट्ठ में ना मुट्ठ भी मारेगा सारे घुटने उसके सामने टिकेगा इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तू ही केवल स्तुति की योग्य परमेश्वर धन्यवाद प्रभु ये पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते प्रभु तूने हमको लेकर आए से धन्यवाद मेरे उपस्थिति में बिठा दिया इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु हम ये जयकार करते प्रभु नंदियोड स्तोत्र करता है ओ नंदियोड स्तोत्र Hallelujah. Nadiyoda stotra. Hallelujah. Yedu nilavala kada mathe ulathunavaraya njangada swargiya rajave. Hallelujah. Saathu divattiko virchine ulla oh hallelujah gunnevana parameshwara hum dhanyavaad karte hain prabhu. Dhanyavaad. Dhanyavaad. Prabhu prabhavishali parameshwara हमारे बीच में उठक कराए से धन्यवाद करते हैं प्रभु वो जगड़ा के वाड़ तुझे करता है धन्यवाद जय जय का जय जय का करे वो जय जय का जय जय का करे वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार ओ पवित्र नाम की स्थिति हो और एक प्रभु दिवस के मध्याह्न समय के बाद प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और उसकी आराधना करने का सौभाग्य परमेश्वर की कृपा से ही हमने पाया है जिसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर अनेक परेशानियों के बीच में प्रभु की आराधना के लिए अपने आप को ले आए प्रभु आपको खूब आशीर्वाद करें। मैं आपको का स्वागत करता यीशु के धन्य नाम और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम और एक बार हमारे सामने एक बहुत परिचित वचन रखा गया है। ये इतने सुंदर वचन है सारे वचन बहुत सुंदर होता है लेकिन कुछ कुछ वचन इतने जनप्रिय होता है कि लोग इसको बार 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 गाने और उसके कारण आशीष पाने चाहते हैं। ऐसे वचन में से एक वचन आज और एक बार हमारे सामने रखा गया है। यहां कहते हैं कि प्रभु तू मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। तो विपत्ति के दिन आता परमेश्वर के जनों के जीवन में भी ये आ सकता है क्योंकि ये गीत कोई अविश्वासी के द्वारा लिखित गीत नहीं है। दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करने वाला उसका तो दृढ़ विश्वास है लेकिन उसका भी जीवन में आपत्ति आया करता था। इससे ये अनुमान हम कर सकते हैं कि परमेश्वर के भक्तों के जीवन में भी आपत्ति का दिन आ सकता है। पूरे दिन नहीं आपत्ति का था जरूरी नहीं है कि आपत्ति का दिन पूरे दिन आपत्ति का दिन आ सकते हैं। आपत्ति के दिन में जब मैं बेसहारा हो जाता मैं बलहीन हो जाता मैं भयचकित हो जाता तब वो मुझे
अपने मंडन में चिंता रखता, लेकिन सदा के लिए वो हमें मंडप में छिपा के नहीं रखता। डरा हुआ इंसान, कमजोर इंसान, थकी हुई इंसान, पराजित इंसान परमेश्वर के तप में जरूर चिपाया जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है अपने तपु के गुप्त स्थान में मुझे छिपा रखता, लेकिन वो चट्टान पर मुझे चढ़ाता। आपत्ति के दिन में, विपत्ति के दिन में, कमजोरी के दिन में, बीमारी के दिन में चिपाया हुआ परमेश्वर का दास और दासी कभी भी गुप्त स्थान में चिपाया नहीं रहेगा। शीघ्र ही वो चट्टान पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसका जगह चट्टान है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जगह तराई में नहीं है, तुम्हारा जगह मैदान पे नहीं है, तुम्हारा जगह समुद्र के भीतर नहीं है, तुम्हारा जगह ऊंचाई पर है। चिपाए जाए तो भी चढ़ाया जाएगा। परमेश्वर का दास ऐसी कठिन परिस्थिति में कहता, मैं जानता हूं प्रभु, मैं चिपना चाहता, मैं सोना चाहता। कुछ लोग उससे भी आगे बढ़कर कहता, मैं मरना चाहता। प्रभु सुलाता, छुपाता, खिलाता, अमें चढ़ाता। परमेश्वर के जन है तो आपके लिए और मेरे लिए एक ही स्थान है, वो ऊंचाई पर है। There is no place for a child of God, whoever he is, in whatever condition he may be, or whatever he may be going through, there is no place for him down below in the valley. He's destined for heights. वो ऊंचाई के लिए चुन लिया गया पुरुष है। आपत्ति के दिन में छुपाने वाला परमेश्वर हमें ऊंचाई में चढ़ाता है। क्यों वो चढ़ाता है? परमेश्वर को मालूम है कि मैं वैरी से नफरत करता, परमेश्वर को मालूम है मैं दुश्मन से लड़ना चाहता, परमेश्वर को मालूम है कि मैं वैरी से विरोध करता। पिछले द्वार को प्रभु ने मैं तैयार किया था, चेतावनी देने के लिए मैं तैयार किया था। वैरी के सम्मुख हम घुटने नहीं टिकाएंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे, हम पराजय नहीं मानेंगे, हम विरोध करेंगे। हालेलुया। लेकिन आज के बाद में हमने देख लिया, इसलिए विरोधी फिर भी परिक्रमा करता है, इसलिए विरोधी फिर भी गर्जन उठाते हैं कि हम तराई पे हैं। जब आप आठ विभाग में हमने कौन सा वचन पढ़ा था? पहले हम 48 का वचन पढ़ा, वहां हमने देखा परमेश्वर का नगर तराई में नहीं होता। परमेश्वर का नगर जो है वो पहाड़ के ऊपर बसाया गया है। जब परमेश्वर का नगर ऊंचाई में स्थिर किया गया, नगर ऊंचाई में दिखाई देगा, तब दुश्मन कांपने लगता है। It is not enough that I am a part of the city of God. It is not enough that I am a holy city. It is not even enough that I am a living stone built in integration with the structure. काफी नहीं है कि मैं परमेश्वर का शहर का भाग है, काफी नहीं है कि परमेश्वर का शहर पवित्र है, यह भी काफी नहीं है कि मैं उसका एक जीवता पत्थर है, उसका एक अविभाज्य पत्थर है। जब मैं मेरे स्थान पे नहीं दिखाई देता, दुश्मन लाभ उठाता है। इसलिए प्रभु का वचन में कहते हैं, ऊंचाई में स्थापित परमेश्वर का नगर में प्रभु अति महान और अति स्तुति के योग्य बनकर आता है। नो ऑर्डिनरी प्रेज,
प्रेस। आप कई बार सुना है अति स्तुति क्या होती है। साधारण लोग जब सब कुछ बड़ा होता, कुछ मिलता, कुछ जो चाहत को पूरा किया जाता, स्तुति करते हैं। That is ordinary praise. There is a higher praise. Hallelujah. भविष्य को देखकर स्तुति करने वाले कुछ लोग होते हैं, कल को देखकर स्तुति करने वाले होते हैं। आज के दिन की गिरावट, आज के दिन की पराजय, आज के दिन की संकट, आज के दिन की पीड़ा के ऊपर नजर नहीं लगाता। आने वाले दिनों को देखने के लिए वो ऊंचाई पे चढ़ते हैं। ये परमेश्वर के जन ऊंचाई में खड़े रहते हैं, दुश्मन लज्जित होते हैं, दुश्मन डरते हैं। अपने प्रभाव में देखा, परमेश्वर के जन के विरोध में अनेक राजा लोग इकट्ठे हुए। परमेश्वर के जन के विरोध में लड़ने के लिए संसार के राजा लोग, सेना लोग तैयार हुए। ये सब शैतान को और उसकी सेना को दिखाते हुए सातान अवते सैन्यम दैव जनतोड पोरिदुवा तैयाराई അവർ കൂട്ടുകൂടി കടന്നു വന്നു എന്ന് നാം 48 സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ യഹോവ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുള്ള പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ദുർഗമായി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഭയന്ന് ഓടിപ്പോയി. പരമേശ്വരന്റെ ജന ഹേക്ക് പത്തോ ദുഷ്മന വിരോധ കർത്താ ഹെ പത്താ दुश्मन को चेतावनी देने वाले लोग हैं पता है। ये लोग तीर चलाने वाले लोग हैं उनको पता है। अबे ये धनुष को मोड़ने वाले लोग हैं उसको पता है। अबे ताम्र के पित्तल के धनुष को उठाने वाले लोग हैं, ये लोग झुकने वाले नहीं है। लेकिन जब अब तराई में रोते रहता, अब मैदान में चक्कर काटता, अब जंगल में घूमते रहता, दुश्मन परमेश्वर की महिमा को नहीं देखता, उसका सामर्थ्य मुझ में प्रकट नहीं होता। आपने देखा सियोन जब अपने ऊंचाई पर चढ़ जाती है, दुश्मन राजा लोग एक साथ आते हैं, वो डर के मारे चले जाते हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास करता है। इट इज नॉट इनफ दैट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, इट इज नॉट इनफ दैट आई एम अ वॉरियर, इट इज नॉट इवन इनफ दैट आई एम प्रिपेयर्ड टू फाइट द एडमोनिशन ऑफ द लॉर्ड, द एक्सहॉर्टेशन ऑफ द लॉर्ड टुवर्ड्स मी एंड यू टुडे इज टू क्लाइंब अप, एसेंड, एसेंड पीक ऑफ द माउंट ऑफ गॉड। आपने देखा जब वो पर्वत पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ, तीर नहीं चलाया, हथियार को हाथ नहीं लगाया, वो डर के मारे हमें। अब और एक भजन बना वो 78, वहां तो एक इतिहास का वर्णन कर रहा, परमेश्वर जो हुआ ने अपने लोगों को चुड़ा कर लेकर നാനൂറ്റി 30 പട്ടിണി കിടന്ന് നരക യാതന അനുഭവിച്ച് ബലമറ്റു പോയ ഒരു കൂട്ടം, അനേക രോഗികൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, അനേക വൃദ്ധന്മാർ അതിനകത്തുണ്ട്, പല ഗർഭിണികളും ഉണ്ട്. പരമേശ്വര യഹോവ ചുടായ ഉസ്മേ ഗർഭിണി ഹെ, കംസോർ ലോകെ, ബീമാർ ലോകെ, ബുഡ്ഢെ ലോകെ, ഉണ്ട് സബ്കു പ്രഭു നെ चुड़वाया। लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। बहुत सुंदर बात यह है, ये लोग लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार किए। जो लड़ाई के लिए तैयार किया जाता वो ऊंचाई में खड़ा किया जाता। परमेश्वर ने उन्हें ले आया है। वहां सब लिखे रेखा की तरफ तो लिखा है 78 से 51 से 55 तक हमने पढ़े थे, उसके बाद में 68 से अंत तक हम पढ़े थे। वहां लिखे कि परमेश्वर यहोवा इन्हें चलाया, बहुत अच्छे अच्छे जगह ढूंढ कर मैदान से नहीं, नहीं जंगल से, मरुभूमि से, ऐसा कठिन प्रदेश से उनको चलाकर ले आया। इसके लिए वो पर्वत पर जिस पर यहोवा वास करना चाहता, परमेश्वर यहोवा जहां वास करना चाहता वहां उन्हें
दे आना चाहे तराई में जगत था, चाहे तो गोशन देश उसको देखकर उन्हें वहां सुरक्षित रख सकता था, but dearly beloved, you are a man of the heights. Amen. You need to be on the mountain tops as the Lord. Amen. अब पहाड़ी के ऊपर बसाया गया इंसान है, अमेर और ऊंचाई की ओर प्रयास करने वाला पुरुष और स्त्री है। जब तक हम अपने स्थान पे खड़ा नहीं रहता, दुश्मन चक्कर काटते है, हमारे परिक्रमा करते, डराने के प्रयास करते हैं। अपने आज प्रभात में देखा कोई भी सिंह जिसका दिमाग ठिकाने पर है, वह एक हिरनी को या किसी को पकड़ने के लिए गर्जन करके नहीं आता। वो गाली पूरा जंगल को हिलाने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं भूखा हूँ, मैं बहुत